नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक इलेक्ट्रिकल हीटर का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और ऐसे में हर घर में जो है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जिग्मा की तरफ से आया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये जिग्मा की तरफ से आया हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का बॉक्स है। हम इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इस इलेक्ट्रॉनिक हीटर के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे और इसका रिव्यू करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं और इसकी जो है हीटिंग कैपेसिटी कितना है। तो दोस्तों ये जिग्मा कंपनी की तरफ से रूम हीटर आया हुआ है हमारे पास। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे आपको कि ये जो है कैसे वर्क करता है और इसमें जो है आपको क्या क्या खास चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बजट में था तो मैंने इसको परचेज किया हुआ है और मैंने सोचा कि आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया जाए ताकि आप लोग भी अगर अपने रूम या घर के लिए एक हीटर खरीदना चाहते हैं तो आप जो है इस वीडियो की मदद से जो है अपने घर के लिए बेस्ट क्वालिटी का जो है एक रूम हीटर या हीटर खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जिग्मा क्वाराइड हीटर का ये बॉक्स है और ये बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस तरह से रूम हीटर देखने को मिलेगा। और बॉक्स के साइड में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको इस रूम हीटर का जो है बैक पैनल दिखाया गया है, हाईलाइट किया गया है और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे हाईलाइट की गई है। और दोस्तों इस बॉक्स के साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू जो है यहाँ पे इस रूम हीटर का दिखाया गया है और ये जिग्मा कंपनी की तरफ से क्वाराइड हीटर है, तो काफ़ी लाइट वेटेड था और काफ़ी जो है चीप प्राइस में था, तो इसीलिए मैंने इसको बाय किया है ताकि मैं भी अपने घर में जो है रूम हीटर का इस्तेमाल कर सकूं। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो कि स्विच दिया गया है, यहां पे हाईलाइट किया गया है इस रूम हीटर के जो कि स्विच है जिसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहां पे आपको एक स्पेशल फीचर यहां पे मिल जाता है इस रूम हीटर में जो कि सेफ्टी स्विच दिया गया है, यहां पे आपको एक सेफ्टी स्विच भी मिल जाती है। तो चलिए जल्दी से इस जिग्मा के रूम हीटर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इस बॉक्स को जल्दी से हम ओपन करेंगे और इसमें से रूम हीटर को निकालकर इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसके हाईलाइट फीचर और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो है रूम हीटर है जो कि ब्रांड न्यू रूम हीटर है, ये जिग्मा कंपनी की तरफ से जो है आया हुआ है। तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दिया जाए। तो ये काफ़ी लाइट वेटेड है और काफ़ी हल्का है, आप इसको जो है फ्रेंडली यूज कर सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह। तो ये जो है जिग्मा कंपनी की तरफ से आया हुआ रूम हीटर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये जो है मैंने इसको परचेज किया था। अब आपको इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है जिग्मा का यहाँ पर एक जो है लोगो दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावर ऑन और ऑफ की स्विच मिल जाती है और यहाँ पे जो है 1, 2 और 0 पॉइंट दिया गया है, मतलब 0 पे ऑफ हो जाएगा और 1, 2 पे जो है इसके रॉड को जो है आप हीटिंग कर सकते हैं। 1 पे 1 रॉड हीट होगा और 2 नंबर पे दूसरा रॉड हीट होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेफ्टी जाली लगाई गई है जिसकी वजह से आप जो है इस रॉड से छूने से बच सकते हैं, मतलब बच्चे जो हैं क्या करते हैं कि रॉड को छूते हैं तो जल सकते हैं या करंट का झटका लग सकता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक ब्लैक कलर की जाली लगाई गई है इस हीटर के ऊपर। और यहाँ पे आपको 2 रॉड मिल जाती है, 1 और 2, मतलब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा गर्म हो रहा है तो आप सिंगल रॉड को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट को जो है 1 पे करके आप सिंगल रॉड को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है दूसरा रॉड ऑन कर देंगे तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हीटिंग देगा आपके रूम के लिए। और दोस्तों इसके पीछे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ खास डिज़ाइन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक झरने का टाइप का एक डिज़ाइन मिल जाएगा जिसकी वजह से एयर जो है अंदर जाती है और ये रूम हीटर जो है काफ़ी अच्छे से गर्मी बाहर निकालता है। और यहाँ पे आपको एक इसको पकड़ने के लिए एक पॉइंट दिया गया है जिसकी मदद से आप इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, यहाँ पे हाथ लगा के आप इसको पकड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, ताकि आपका हाथ भी नहीं जलेगा और जो है आप इसको कैरी भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक जिग्मा का स्टिकर लगाया गया है जो कि ISI प्रमाणित है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है काफ़ी अच्छा और बेस्ट क्वालिटी का रूम हीटर है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल फीचर इसमें मिल जाता है आपको इसके बैक पैनल पर, दोस्तों इस स्पेशल बटन की मदद से आप जो है इसको बहुत ही सेफली तरह से अपने घर में इंडोर या आउटडोर यूज कर सकते हैं। दोस्तों जब ये स्विच दबेगा तभी ये रूम हीटर जलता रहेगा, मतलब जब आप इसको कहीं सरफेस पे रखेंगे सीधा तब ये बटन दबने की वजह से इसका जो है दोनों रॉड जो है ऑन हो जाएगा और ये रूम हीटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों यदि ये अचानक से गिर जाता है आपके टेबल या बेड पे से या बच्चों के छूने से गिर जाता है तो ये बटन जो है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी और जो है ये बंद हो जाएगा रूम हीटर, ताकि ये ज़्यादा नुकसान
नुकसान न पहुंचा सके आपके घर के और फैमिली के मेंबर को। तो दोस्तों इस तरह से जो है जिग्मा के रूम हीटर काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, आप इसको जो है बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं और कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर इसको जो है ठंडी के लिए ही बनाया गया है दोस्तों, और इसमें जो है ये जो जाली लगाई गई है इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी देता है, ताकि आप इससे जो है एक गर्मी भी पा सकें और इसको जो है टच करने से भी बच सकें। तो दोस्तों एक जिग्मा का रूम हीटर है, मैंने इसको इसलिए परचेज किया ताकि मुझे अच्छा लग रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड था, और इसकी जो है हीटिंग कैपेसिटी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसकी हीटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए इसको बोर्ड में लगाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसका राड जो है कैसे गर्म होता है और इसकी हीटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है बिजली से कनेक्ट कर दिया है और मैंने इसके जो है पॉइंट को जो है नंबर 2 पे कर दिया है, मतलब ये जो है दोनों रॉड को हीट करेगा। ये नंबर 2 पे जो भी बटन मैंने घुमा दिया है तो ये दोनों रॉड को जो है हीट करेगा, और इसके नीचे की स्विच जब दबेगी तभी ये एक्टिवेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि नीचे की स्विच दब चुकी है और यहाँ पर दोनों रॉड जो है आपको जलता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये आपके घर के बिजली के बोर्ड के ऊपर जो है निर्भर करता है कि ये कैसे जो है गर्म करेगा और कितनी कैपेसिटी से इसकी जो है गर्मी आपको लगेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों राड जो है जलना स्टार्ट हो चुका है, तो ये जो है काफ़ी अच्छे से जो है गर्म यहाँ पर आपको गर्मी देगा और आप जो है काफ़ी अच्छे से इसको फील कर सकते हैं और काफ़ी सेफ तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिग्मा के जो है रूम हीटर में 2 राड लगी हुई है और ये दोनों जो है रेड कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गर्म होने के बाद आपको रेड कलर की दिखाई देंगी। और दोस्तों यहां से मैं इसको सिंगल पॉइंट पे कर देता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है केवल सिंगल राड को जो है गर्म करेगा, मतलब अगर आपको ज्यादा गर्मी की आवश्यकता नहीं है तो आप यहां पे केवल सिंगल राड को जला सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये केवल सिंगल राड यहां पे गर्म हो रहा है और दूसरा राड हमारा जो है बंद हो चुका है। तो यहां पे स्विच की मदद से जो है आप 1-2 राड को जला सकते हैं। और यहां पे दोस्तों यहां पे आपको एक 0 पॉइंट भी दिया गया है जिसकी मदद से अगर आप यहां पे कर देंगे तो आपका जो है रूम हीटर का राड जो है गर्म होना बंद हो जाएगा, मतलब आपका रूम हीटर जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों यदि अचानक से मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बटन दिख रही है आपको, इसके नीचे जो स्पेशल फीचर इसमें इनबिल्ट किया गया है, इसको जब हम दबाएंगे तभी ये रूम हीटर गर्म होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दबा के दिखा देता हूँ, इसको मैंने हाथ से दबाया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी राड जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा वक्त लगाएगा दोस्तों गर्म होने में, क्योंकि ये आपके रूम के वोल्टेज पे जो है निर्भर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों राड जो है गर्म होना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, और उसके पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर की जो प्लेट लगी हुई है जिससे कि आपको लगेगा कि ये पूरा जो है रेड मतलब पूरा ये हीटर जो है गर्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि दोनों राड जो है यहाँ पर गर्म होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने इस बटन को दबा के रखा है तभी ये गर्म हो रही है, अभी मैं इसको छोड़ दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों राड है अपने आप जो है बंद हो जाएंगी गर्म होना। तो मैं इसको जो है एक बार छोड़ के आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्विच जो है ऊपर आ चुकी है और ये जो है रॉड जो है ठंडा होना स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों ये स्पेशल फीचर इसमें दिया गया है, अगर ये अचानक से आपके जो है किसी बच्चे के छूने से गिर जाता है या अचानक से बेड पे से गिर जाता है तो ऑटोमेटिक ये जो है रूम हीटर बंद हो जाएगा, इससे जो है बड़ी दुर्घटना होने से भी आप जो है बच सकते हैं। तो ये जो जिग्मा की तरफ से आया हुआ जो है ये रूम हीटर है, तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दिया। और दोस्तों इस रूम हीटर की प्राइस की बात करें तो मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ कि ये आपको कितने का पड़ेगा। तो आप को इसके बॉक्स पे जो इसकी प्राइस लिखी हुई दिख जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो 1199 रुपए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है कुछ इसके बारे में डिटेल्स दी गई है इसके बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पे ब्रांड जो है जिग्मा का है और मॉडल नंबर आपका ये जो है कोजी है, और ये जो है जेनेरिक नेम इसका जो है क्वारेट हीटर है, और यहाँ पे 2 रॉड जो है 400 वोल्ट की लगी है, मतलब यहाँ पे अगर आप जो है एक रॉड जलाते हैं तो ये जो है 400 वाट जो है बिजली खर्च करेगा, और अगर आप 2 रॉड जलाते हैं तो आपको यहाँ पे 800 वाट का जो है बिजली खपत होगी। और दोस्तों यहाँ पे कलर जो है इसका जो है आप देख सकते हैं ग्रे कलर का है और ये जो है सिंगल यूनिट का था, और यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों मेड इन इंडिया में बना हुआ है और काफ़ी अच्छा जो है हीटर है, रूम हीटर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठंडी में जो है अपने बच्चों को अपने घर को जो है सेफ्टी देने के लिए और ठंडी से बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल जो है अपने घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और बजट क्वालिटी का जो है रूम हीटर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में हमने अनबॉक्सिंग किया एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर का, जो कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ठंड से बचने के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये रूम हीटर या इस हीटर को खरीदना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस हीटर को खरीद सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आपने देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप जहाँ पर देखते रहें सीखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।